अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास एक्सरसाइज 1.4 है और क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों ने स्टार्ट करना है। लेट ए बी एंड सी हमारे पास मैट्रिक्स दिए हुए हैं और हम लोगों ने वेरीफाई करना है वेदर अगर यानी अगर ये पॉसिबल हो राइट और लेफ्ट साइड इक्वल तो हम लोगों ने सॉल्व करनी है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ए प्लस ए बी इज इक्वल टू है बी ए, तो लेफ्ट और राइट साइड है तो हम लोग सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए बी, यानी ए मल्टीप्लाई बी करना है, प्रोडक्ट फाइंड करनी है इनकी। तो हम लोग ए मैट्रिक्स राइट करते हैं, ए मैट्रिक्स हमारे पास है माइनस वन टू थ्री ज़ीरो और बी मैट्रिक्स क्या है, अब देखें इनके दरमियान कोई साइन नहीं है, मीन ये प्रोडक्ट करना है वन टू माइनस थ्री और माइनस फाइव। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई का रूल लास्ट क्वेश्चन वाला ही है। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई करनी है फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो भी मल्टीप्लाई करनी है फर्स्ट कॉलम से, तो मल्टीप्लाई करते हैं ए बी माइनस वन मल्टीप्लाई वन प्लस थ्री मल्टीप्लाई माइनस थ्री, टू मल्टीप्लाई वन प्लस ज़ीरो मल्टीप्लाई माइनस थ्री। सेम इसी तरह अब इन्हीं दोनों रोज को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा जी माइनस वन मल्टीप्लाई टू प्लस थ्री मल्टीप्लाई माइनस फाइव और टू मल्टीप्लाई टू प्लस ज़ीरो मल्टीप्लाई माइनस फाइव। माइनस प्लस माइनस माइनस वन मल्टीप्लाई वन प्लस माइनस माइनस थ्री मल्टीप्लाई थ्री नाइन और टू मल्टीप्लाई वन टू प्लस माइनस माइनस थ्री ज़ीरो ज़ीरो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा टू वन टू प्लस माइनस माइनस थ्री फाइव फिफ्टीन टू प्लस टू और टू मल्टीप्लाई टू फोर प्लस माइनस माइनस और फाइव ज़ीरो ज़ीरो। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आएगा माइनस वन और माइनस नाइन माइनस टेन माइनस फिफ्टीन और माइनस टू, दोनों सेम साइन है प्लस होंगे फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन माइनस सेवनटीन टू माइनस ज़ीरो टू फोर माइनस ज़ीरो फोर। ये हमारे पास थी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लोग सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है बी ए इक्वल, तो अब पहले नंबर पे हमारे पास क्या आ जाएगा बी मैट्रिक्स वन माइनस थ्री टू माइनस फाइव मल्टीप्लाई होगा माइनस वन टू थ्री और ज़ीरो से। मल्टीप्लाई में क्या होगा, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई हो रही है फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो भी मल्टीप्लाई हो रही है फर्स्ट कॉलम से। वन मल्टीप्लाई माइनस वन प्लस टू मल्टीप्लाई टू माइनस थ्री मल्टीप्लाई माइनस वन प्लस माइनस फाइव मल्टीप्लाई टू। इसी तरह नेक्स्ट टू रोज फिर नेक्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो वन मल्टीप्लाई थ्री प्लस टू मल्टीप्लाई ज़ीरो माइनस थ्री मल्टीप्लाई थ्री प्लस माइनस फाइव मल्टीप्लाई ज़ीरो इक्वल प्लस माइनस माइनस वन मल्टीप्लाई वन प्लस 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 टू मल्टीप्लाई टू फोर माइनस माइनस प्लस और थ्री वन थ्री प्लस माइनस माइनस फाइव टू टेन थ्री वन थ्री प्लस टू ज़ीरो ज़ीरो प्लस माइनस माइनस थ्री मल्टीप्लाई थ्री नाइन प्लस माइनस माइनस फाइव ज़ीरो ज़ीरो। तो राइट हैंड साइड का हमारे पास आंसर आ जाएगा थ्री फोर माइनस वन, यानी प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा थ्री, थ्री प्लस ज़ीरो थ्री, थ्री माइनस सेवन टेन माइनस सेवन और माइनस नाइन माइनस ज़ीरो माइनस नाइन। हेंस हम लोगों ने प्रूफ करना है। अब देखिए ए बी और बी ए दोनों का आंसर जो है वो इक्वल नहीं आया, लिहाजा हेंस प्रूफ हो गया आपके पास कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 हमारे पास है कि ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इक्वल है ए बी मल्टीप्लाई सी के।
लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है जनाब ए ब्रैकेट बी सी, मतलब ये है कि अब पहले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा, तो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, बी और सी, तो बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम लोग ए है तो ए मैट्रिक्स राइट करते हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास है माइनस वन टू थ्री ज़ीरो, इसके बाद देखें ब्रैकेट है तो हम ब्रैकेट डालेंगे, उसके बाद बी है तो हम लोग बी मैट्रिक्स लिखेंगे वन टू माइनस थ्री माइनस फाइव, इसके बाद सी है सी डालेंगे, सी मैट्रिक्स हमारे पास है टू वन वन थ्री, ब्रैकेट क्लोज। तो सबसे पहले हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है बी और सी को, तो ए जो मैट्रिक्स है इसको हम लोगों ने वैसे उतार लेना है जी। अब जो है हमारे पास डी और सी मल्टीप्लाई कैसे होंगे, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम से, तो वन मल्टीप्लाई होगा टू से प्लस टू मल्टीप्लाई होगा वन से, इसी तरह माइनस थ्री मल्टीप्लाई होगा टू से प्लस माइनस फाइव मल्टीप्लाई होगा वन से, सेम टू सेम यही दोनों रोज नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होंगी, तो वन मल्टीप्लाई होगा वन से प्लस टू मल्टीप्लाई होगा थ्री से, सेम इसी तरह माइनस थ्री मल्टीप्लाई होगा वन से प्लस माइनस फाइव मल्टीप्लाई होगा थ्री से जी। ए मैट्रिक्स को हम लोगों ने फिर वैसे उतार लेना है साथ, टू वन टू प्लस टू वन टू प्लस माइनस माइनस थ्री टू सिक्स प्लस माइनस माइनस फाइव वन फाइव, वन मल्टीप्लाई वन वन प्लस थ्री टू सिक्स प्लस माइनस माइनस थ्री वन थ्री प्लस माइनस माइनस फाइव थ्री फिफ्टीन माइनस वन टू थ्री ज़ीरो जी। ये क्या हो गया, फोर और फाइव और सिक्स दोनों ऐड हो रहे हैं, माइनस इलेवन सेवन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन माइनस एटीन। अब हमारे पास बी सी का आंसर हमारे पास आ गया है, ये ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से और सेकंड रो मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, माइनस वन मल्टीप्लाई होगा फोर से प्लस थ्री मल्टीप्लाई होगा माइनस इलेवन से, सेम टू सेम टू मल्टीप्लाई होगा फोर से प्लस ज़ीरो मल्टीप्लाई होगा माइनस इलेवन से, नेक्स्ट इसी तरह नेक्स्ट टू रोज को नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस वन मल्टीप्लाई होगा सेवन से प्लस थ्री मल्टीप्लाई होगा माइनस एटीन से जी, टू मल्टीप्लाई होगा सेवन से प्लस ज़ीरो मल्टीप्लाई होगा माइनस एटीन से, फोर वन फोर प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस थ्री को अलेवन से मल्टीप्लाई करेंगे थर्टी थ्री, टू फोर एट प्लस माइनस माइनस इलेवन ज़ीरो ज़ीरो प्लस माइनस माइनस सेवन वन सेवन। अब माइनस जो एटीन है वो थ्री प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, थ्री को एटीन के साथ मल्टीप्लाई किया ट्वेंटी फोर, फोर लिया टू कैरी थ्री वन थ्री फोर फाइव, तो ये हो जाएगा जी माइनस फिफ्टीन फोर, और सेवन टू फोर्टीन प्लस माइनस माइनस होता है और ज़ीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो ही रहेगा। सेम इसी तरह इसका आंसर आएगा थर्टी थ्री और फोर दोनों सेम साइंस है, ऐड हो जाएंगे फोर फाइव सिक्स सेवन, तो ये हो जाएगा माइनस थर्टी सेवन। फिफ्टी फोर और सेवन ये भी ऐड हो रहे हैं दोनों आपस में, सेवन एट नाइन टेन एलेवन, वन लिया वन कैरी सिक्स फाइव और वन सिक्स, ये हो जाएगा माइनस सिक्सटी वन, माइनस सेवन और माइनस फिफ्टी फोर माइनस सिक्सटी वन, एट माइनस ज़ीरो एट हो जाएगा, फोर्टीन माइनस ज़ीरो फोर्टीन। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई, अब हम लोग करते हैं इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व। राइट हैंड साइड है ए बी ब्रैकेट सी,
अब हम लोगों ने पहले ब्रैकेट में ए मल्टीप्लाई बी करना है। ये हम लोग मैट्रिक्स राइट करते हैं -1, 2, 3, 0। ब्रैकेट बी मैट्रिक्स राइट करेंगे 1, -3, 2, -5। ब्रैकेट क्लोज और फिर हम लोग सी बाहर लिख लेंगे 1, 1 और 3। अब देखें, सबसे पहले हमारे पास ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ए बी, तो फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम से और सेकंड रो को भी मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम से। तो इक्वल 1 -1 × 1 हो जाएगा, +3 × -3, 2 × 1 +0 × -3। सेम इसी तरह नेक्स्ट जो रोज़ हैं उसको नेक्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा -1 × 2 + 3 × -5 और 2 × 2 + 0 × -5। ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट ब्रैकेट वैसे आ जाएगी 2, 1, 1, 3। जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर लिखते हैं। आंसर क्या आएगा इसका, -1 × -1 ± -3, 3, 9, 2, 1, 2 ± -0 × 0, ये हो जाएगा -2 −5, 3, 15, 2 × 2, 4 ±0। नेक्स्ट मैट्रिक्स वैसे उतार लिया 2, 1, 1, 3। जी, इसका आंसर आ जाएगा -9 और -1, -10, 2 − 0, 2, 15, 16, 17 दोनों ऐड हुए -17, 4 − 0, 4 मल्टीप्लाई होगा 2, 1, 1 और 3 के साथ। नेक्स्ट हम लोग यहीं पर ही इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जी, सबसे पहले मैं मैट्रिक्स लिख लेती हूँ अगेन। इक्वल ये आ रहा है -10, 2, -17, 4 मल्टीप्लाई होगा 2, 1, 1, 3 के साथ। तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, उसी तरह फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो और ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम आपस में मल्टीप्लाई होंगे। इक्वल -10 × 2 +-17 × 1 2 × 2 +4 × 1। अब यही दोनों मैट्रिक्स नेक्स्ट वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये आ जाएगा -10 × 1 +-17 × 3। सेम 2 × 1 +4 × 3। हम मल्टीप्लाई करके आंसर राइट करते हैं -10 × 20 +-17 × 1 = 17, 2 × 2 = 4 होता है और +4 = 1, 4। -10 को 1 से मल्टीप्लाई किया -10 + -3, 7, 21 होता है, 1 लिया 2 कैरी और 3, 1, 3 एंड कैरी वाला 2 ऐड किया तो 5 और 2, 1, 2 +4, 3, 4, 3, 12। अब देखें आंसर लिखते हैं -20 और -17, ये 7 हो जाएगा 0 + 7 और 2 और 1, 3 -37। अब -10 और -51 ये ऐड होंगे और 0 और 1, 1 हो गया, 5 और 1, 6 तो ये हो जाएगा -61, 4 + 4, 8 और 2 + 12 ये हो जाएगा 14। ये हमारे पास आंसर था राइट हैंड साइड का और ये हमारे पास आंसर है लेफ्ट हैंड साइड का। देखें -37, 8 − 61, 14 −37, 8 − 61 और 14। तो हैंस हमारे पास प्रूफ हो गया ए बी सी इक्वल है ए बी मल्टीप्लाई सी के, लेफ्ट और राइट हैंड साइड इक्वल हो गई। 5 का थर्ड पार्ट है अब हमारे पास, ए ब्रैकेट बी प्लस सी इक्वल है ए बी प्लस ए सी के। तो
लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए ब्रैकेट बी प्लस सी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स राइट करेंगे। ए मैट्रिक्स हमारे पास है माइनस वन टू थ्री ज़ीरो, इसके बाद हमारे पास आ जाएगी ब्रैकेट और उसके बाद हम लिखेंगे बी मैट्रिक्स। बी है वन माइनस थ्री टू और माइनस फाइव। अब देखें सेंटर में साइन आ रहा है प्लस का, प्लस के बाद हमारे पास सी है टू वन वन थ्री ब्रैकेट क्लोज। तो ए हम लोगों ने वैसे उतार लेना है और ब्रैकेट में बी प्लस सी हो रहे हैं, पहले हमने इन दोनों को क्या कर लेना है प्लस। वन प्लस टू थ्री हो गया, टू प्लस वन ये भी थ्री हो गया, माइनस थ्री प्लस वन, माइनस थ्री में से वन चला गया माइनस टू, और माइनस फाइव प्लस थ्री, थ्री फाइव में से थ्री चला गया माइनस टू ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए दोनों के नीचे जो साइन है वो मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई कैसे करना है, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम इक्वल होगा माइनस वन मल्टीप्लाई थ्री प्लस थ्री मल्टीप्लाई माइनस टू, टू मल्टीप्लाई थ्री प्लस ज़ीरो मल्टीप्लाई माइनस टू। सेम इसी तरह फर्स्ट और सेकंड रो मल्टीप्लाई होगी सेकंड कॉलम के साथ, माइनस मल्टीप्लाई थ्री प्लस थ्री मल्टीप्लाई माइनस टू, और टू मल्टीप्लाई थ्री प्लस ज़ीरो मल्टीप्लाई माइनस टू, प्लस माइनस माइनस थ्री वन थ्री, प्लस माइनस माइनस थ्री टू सिक्स, थ्री टू सिक्स, प्लस माइनस माइनस टू ज़ीरो ज़ीरो, प्लस माइनस माइनस थ्री वन थ्री, प्लस माइनस माइनस थ्री टू सिक्स, थ्री टू सिक्स, प्लस माइनस माइनस टू ज़ीरो ज़ीरो। तो हमारे पास जो लेफ्ट साइड है उसका आंसर आ गया है माइनस थ्री माइनस सिक्स सेवन एंड नाइन, माइनस नाइन, माइनस थ्री और माइनस सिक्स माइनस नाइन, और सिक्स माइनस ज़ीरो सिक्स, और सिक्स माइनस टू फोर। ये जी थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लोग सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है ए बी प्लस ए सी। अब देखें ए और बी का प्रोडक्ट लेना है, ए और सी का प्रोडक्ट लेना है, और फिर दोनों को क्या कर देना है ऐड। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हमारे पास है माइनस वन टू थ्री ज़ीरो, बी हमारे पास क्या है वन टू माइनस थ्री माइनस फाइव। अब सेंटर में साइन है प्लस, प्लस आ जाएगा। अब उसके बाद ए सी है, अगेन हम लोगों ने ए राइट करना है माइनस वन टू थ्री ज़ीरो, और सी क्या है हमारे पास टू वन वन थ्री। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेना है। तो फर्स्ट रो और सेकंड रो दोनों जो है फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होंगे, माइनस वन मल्टीप्लाई वन प्लस थ्री मल्टीप्लाई माइनस थ्री, टू मल्टीप्लाई वन प्लस ज़ीरो मल्टीप्लाई माइनस थ्री। सेम इसी तरह नेक्स्ट कॉलम के साथ ये भी मल्टीप्लाई होगी, माइनस वन मल्टीप्लाई टू प्लस थ्री मल्टीप्लाई माइनस फाइव, टू मल्टीप्लाई टू प्लस ज़ीरो मल्टीप्लाई माइनस फाइव ब्रैकेट क्लोज प्लस। अब ये दोनों मैट्रिक्स भी इसी तरह मल्टीप्लाई होंगे, फर्स्ट रो और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो माइनस वन मल्टीप्लाई टू प्लस थ्री मल्टीप्लाई वन, टू मल्टीप्लाई टू प्लस ज़ीरो मल्टीप्लाई वन। सेम इसी तरह दोनों रोज जो हैं फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो माइनस वन मल्टीप्लाई वन प्लस थ्री मल्टीप्लाई थ्री, और टू मल्टीप्लाई वन प्लस ज़ीरो मल्टीप्लाई थ्री। अब हम लोग इनका आंसर राइट करते हैं। देखिए प्लस माइनस माइनस वन मल्टीप्लाई वन, प्लस माइनस माइनस थ्री मल्टीप्लाई थ्री नाइन,
प्लस प्लस वन होता है 2 1 2, प्लस माइनस माइनस 3 0 0, प्लस माइनस माइनस 2 1 2, प्लस माइनस माइनस 5 3 15, 2 मल्टीप्लाई 2 4, प्लस माइनस माइनस 5 0 0, प्लस इसके बाद इन्हें मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस 2 1 2, प्लस 3 1 3, 2 मल्टीप्लाई 2 4, प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 0, माइनस प्लस 1 1 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 9, 2 1 2, प्लस 3 0 0, माइनस 1 एंड माइनस 9, माइनस 10, 2 0 2, 15 16 17 माइनस हो जाएगा और ये 4, प्लस माइनस 2 और प्लस 3 1 हो जाएगा, 4 प्लस 0 4, 9 माइनस 1 8 और 2 प्लस 0 0. नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर लेना है, तो माइनस 10 प्लस 1, माइनस 17 प्लस 8 और 2 प्लस 4 और 4 प्लस 0. आंसर चेक करते हैं अब इसका, हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 10 प्लस 1 मीन माइनस 9, 17 में से 8 माइनस हो गए तो ये भी माइनस 9 हो गया, और 2 प्लस 4 6, 4 प्लस 0 4. अब देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था माइनस 9 माइनस 9 6 और 4, माइनस 9 माइनस 9 6 और 4, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल हो गई है राइट हैंड साइड के. 5 का ना लास्ट और 4 पार्ट है हमारे पास के ए इंटू बी माइनस सी इक्वल है ए बी माइनस ए सी, तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी है ए ब्रैकेट बी माइनस सी. सबसे पहले हमारे पास क्या है, ए मैट्रिक्स है, तो हम लोग ए राइट करेंगे, -1 2 3 0, फिर है ब्रैकेट, ब्रैकेट डालेंगे, बी है तो बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 1 2 -3 -5, माइनस सी, सी क्या है हमारे पास 2 1 1 3, ब्रैकेट क्लोज. अब देखें ए मैट्रिक्स जो है वो वैसे ही उतार लेना है हम लोगों ने, और बी माइनस सी हमारे पास माइनस और है, तो आंसर क्या आएगा, 1 -2 2 -1 -3 -1 -5 -3, ये हो जाएगा जी -1 2 3 0, और -2 में से 1 चला गया -1 -3 और -1 -4, 2 -1 1 5 6 7 8, -8, ब्रैकेट क्लोज. अब क्या हो रहे हैं, दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई में क्या करना है, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है सेकंड कॉलम से, फर्स्ट कॉलम से, और सेकंड रो को भी मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम से. -1 मल्टीप्लाई होगा -1 से, +3 मल्टीप्लाई होगा -4 से, 2 मल्टीप्लाई -1 +0 मल्टीप्लाई -4. नेक्स्ट इसी तरह फर्स्ट एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होंगी, तो क्या आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई 1 +3 मल्टीप्लाई -8, 2 मल्टीप्लाई 1 +0 मल्टीप्लाई -8, -1 +1 1 +-3 4 12, +-2 1 2, +-4 0 0, +-1 1, +-4 3 20 8 24 आएगा, हाँ 24, 2 1 2, +-8 0 0. आंसर हमारे पास आ गया जी लेफ्ट हैंड साइड का 1 -12 -11, 2 -0 -2, 24 -1 -25, 2 -0 2. नेक्स्ट जी हम लोग करेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, जो कि है हमारे पास ए बी माइनस ए सी इक्वल, ए है पहले मैट्रिक्स, हम लोग ए मैट्रिक्स राइट करते हैं, -1 2 3 0,
इसके बाद बी है, बी मैट्रिक्स राइट करते हैं, 1, 2, -3, -5। सेंटर में साइन माइनस है, माइनस डालेंगे, फिर ए है, -1, 2, 3, 0। फिर हमारे पास सी मैट्रिक्स है, सी क्या है, 2, 1, 1, 3। अब ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए और सी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसके बाद दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। मल्टीप्लीकेशन का वही रूल है, दोनों रोज फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होंगी, तो ये आ जाएगा जी -1 × 1 + 3 × -3, 2 × 1 + 0 × -3। सेम इसी तरह दोनों रोज नेक्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आ जाएगा -1 × 2 + 3 × -5, 2 × 2 + 0 × -5। ब्रैकेट क्लोज, सेंटर में साइन कौन सा है, माइनस का। नेक्स्ट मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लाई होंगे, फर्स्ट रो सेकंड रो मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा जी -1 × 2 + 3 × 1 और 2 × 2 + 0 × 1, -1 × 1 + 3 × 3, 2 × 1 + 0 × 3। ब्रैकेट क्लोज। प्लस माइनस माइनस 1 × 1 प्लस माइनस माइनस 3 × 3 9, 2 × 1 2 प्लस माइनस माइनस और 3 × 0 0 प्लस माइनस माइनस 2 × 1 2 प्लस माइनस माइनस और 5 × 3 15 2 × 2 4 प्लस माइनस माइनस 5 × 0 0 सेंटर में माइनस है, माइनस आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 2 × 2 प्लस 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 3 × 1 3 प्लस मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 2 × 2 4 और प्लस 0 × 1 0 -1 − 1 आ जाएगा, 3 × 3 9 2 × 1 2 और 3 × 0 0। अब हमने इनका आंसर निकालना है और फिर माइनस करना है। −1 और −9 −10 15 16 17 माइनस और ये 2 आ जाएगा, 4 × 0 4 माइनस हो जाएगा, 3 − 2 1 4 × 0 4 9 − 1 8 और 2 × 0 2। नेक्स्ट हम लोग माइनस करेंगे, −10 − 1 और −17 − 8 2 − 4 4 − 2। राइट हैंड साइड का आंसर हमारे पास आ गया −10 और −1 −11 −17 और −8 −25 4 − 2 − 2 4 − 2 2। तो देखें −11 2 −25 2 −11 −2 −25 2, तो हेंस प्रूफ हो गया हमारी लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के।